पति पत्नी की शादी हो जाती है। पति चाहता है कि वह उसे डिवोर्स दे दे। डिवोर्स तो नहीं मिलता, बट पत्नी की परमिशन से वह दूसरी शादी कर लेते हैं। इस कंडीशन में आईपीसी के सेक्शन 498 के अंतर्गत वह आरोपी कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। ऐसा ही केस आया पटना हाई कोर्ट में, अरुण कुमार सिंह वर्सेस निर्मला देवी का यह केस है। केस के फैक्ट समझ लेते हैं। केस हुआ क्या कि पति पत्नी शादी करते हैं, कुछ समय बाद पति पत्नी की शादी में मतलब दरार आ जाती है और वह एक दूसरे के साथ में रहना नहीं चाहते, खासकर पति। पत्नी तो रहना भी चाहती है बट पति चाहता है कि वह ना रहे, तो पत्नी को वह डिवोर्स देने की कोशिश करते हैं। फैमिली कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं, पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है। कुछ समय बाद फिर पति ने फिर कोशिश की कि वह उसे डिवोर्स दे दे। डिवोर्स तो मिला नहीं, तो वह पत्नी से परमिशन लेकर वह दूसरी शादी करते हैं। वह जिद करते हैं, उन्हें समझाते हैं और 2004 में पत्नी ने अपनी मर्जी से परमिशन दे दी। ओके, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम। बट 2010 में पत्नी को यह रियलाइज होता है कि वह गलत कर चुकी है, वह परमिशन देकर गलत कर चुकी है। तो वह कंप्लेंट फाइल करती है आईपीसी के सेक्शन 498A के अंतर्गत एंड दहेज अधिनियम सेक्शन 3 के अंतर्गत वह कंप्लेंट फाइल करती है और कंप्लेंट को दिया जाता है पटना हाई कोर्ट में। कोर्ट में पति कहता है कि मैंने तो पहले परमिशन ली है और परमिशन लेकर ही उनसे शादी की है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं था, मैंने पहली पत्नी से परमिशन ली, उन्होंने हामी भरी, फिर मैं शादी। और उन्होंने सेकेंड बात यह बोली कि दहेज का तो बात ही नहीं होता क्योंकि मैंने दहेज आज तक मांगा ही नहीं और शादी के समय भी एक पैसा उनके तरफ से नहीं आता। और उसके बाद दूसरी तरफ से देखा जाए तो पत्नी का पक्ष भी, पति को छोड़ने भी नहीं पा रही है और उनके साथ रह भी नहीं पा रही क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी आ चुकी है। तो इस जगह पर पटना हाई कोर्ट ने दोनों पक्ष को देखा और पति का कहना है कि आईपीसी के सेक्शन 498A के अंतर्गत कोई भी ऐसा केस नहीं बनता क्योंकि मैंने परमिशन लेकर शादी की है, तो दहेज तो मैंने लिया ही नहीं है। तो दहेज अधिनियम के सेक्शन 4 सेक्शन 3 के अंतर्गत मुझे आरोपी जो ठहराया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। यह महिला मेरे ऊपर कंप्लेन कर चुकी है, ओके, बट यह पूरा आरोप मेरे ऊपर गलत है। तो महिला के पक्ष को भी देखा गया और पुरुष के पक्ष को भी देखा गया और पटना हाई कोर्ट का यह निर्णय निकला कि ओके, आप अपनी पत्नी से परमिशन लेकर शादी करते हो, ठीक है, उन्होंने परमिशन दे भी थी, बट आपका जो भी शादी हुआ है वह अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। लीगली जो वाइफ होगी वह आपकी फर्स्ट वाइफ होगी। आपने पिटीशन फाइल किया फैमिली कोर्ट में, आपको डिवोर्स नहीं मिला, पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया आपका। तो इसके अंतर्गत आपकी पहली पत्नी अभी ऑफिशियल जो पत्नी है, लीगल जो पत्नी कहलाएगी, वो पहली पत्नी कहलाएगी। और आपने दूसरी शादी की है, भले उनसे परमिशन ली है, तो आईपीसी के सेक्शन 498A के अंतर्गत आप तो आरोपी कहलाओगे। ओके, आपसे दहेज नहीं लिया गया है या दहेज की मांग ही नहीं की गई है या आपने कभी दहेज को मतलब डिमांड ही नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपने दहेज की डिमांड नहीं की है। और दहेज अधिनियम के सेक्शन 4 और सेक्शन 3 को हम डिसमिस कर सकते हैं अगर आपने दहेज की मांग ही है की है, पहले नहीं की है, बट जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया है पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना, एक तो पहले आप अपनी पहली पत्नी की भी लाइफ खराब कर रहे हो, दूसरी पत्नी की भी लाइफ खराब कर रहे हो, उनके भी बच्चे आएंगे, इनके भी बच्चे होंगे, तो आप कितने सारी चीजों को संभालो। पटना हाई कोर्ट का यह जजमेंट है कि आईपीसी के सेक्शन 498A के अंतर्गत वह पूरी तरीके से दोषी है, जिसके कारण डिसीजन लिया गया कि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही हैं, इसके अंतर्गत उन्हें सजा होनी चाहिए। और यही जजमेंट निकला पटना हाई कोर्ट का इस व्यक्ति के ऊपर।